गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम सन अकेडमी चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे 7th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइंस की बुक, और ये बहुत रिलेवेंट होगी आपकी एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होगी, इसलिए इनको आपको बहुत ध्यान से कवर करना है। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो चैप्टर है वो कवर करा है, और लगभग वो चैप्टर पूरा ही हमारे लिए रिलेवेंट है, ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो है वो सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, और जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस भी 90% कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी भी 90% कंप्लीट हो जाएगी। जो चीज़ें 10% डिफरेंस रहेगा वो मैं करवाऊंगा, लेकिन इन 90% चीज़ों को मैं रिवाइज नहीं करूंगा, ये ध्यान रखें, रिपीट नहीं करूंगा। मेरे बारे में कुछ जानकारी, सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, और ठोलिया 10 कोड यूज करने पर अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको आरपीएससी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 1 तारीख से आपको किसी क्लास देखने के लिए आपको ठोलिया 10 कोड यूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप एनरोल मतलब कि डाउनलोड करेंगे उसके बाद कोड पूछेगा आपसे, तो वहां पर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो भी आपको ठोलिया 10 कोड यूज करना है। ये सिस्टम 1 तारीख से लागू हो जाएगा, यानी आपने जैसे इन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे आपसे आप कोड पूछेगा वो, तो उसमें आपको ठोलिया 10 रेफरल कोड यूज करना है। आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, देन आप उसको अपग्रेड करते हैं तो भी प्लस के अंदर तो भी आपको टोलिया 10 कोड चाहिए होगा। तो 1 ईयर के लिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 2 ईयर में भी 10% डिस्काउंट। तो 1 ईयर का जो चार्जेस है 7,000, वो 6,300 हो जाएगा, और 2 ईयर का जो चार्जेस 8,400 है वो 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 हो जाएगा, जो कि काफ़ी कम है। मॉर्निंग में अभी एथिक्स की क्लास चल रही है, और यहाँ पर आपके पास में आरबीएससी की क्लास चल रही है, बताइए आपको। इवनिंग में अपन हिस्ट्री की क्लास कर ही रहे हैं, और शाम को 4 बजे जो है वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस की क्लास होती है मेरी, और अभी ये 25th को बैच स्टार्ट हुआ है, जितनी पुरानी क्लासेस हुई है वो आपको मिल जाएंगी, और आप अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस का बेनिफिट यही है कि सिलेबस कवर होने के साथ साथ नोट्स और पीडीएफ मिल जाते हैं, स्पेशल गाइडेंस रहता है, टेस्ट हो जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद सुरेश ठोलिया सर्च करना है, और वहाँ से फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऐसे करके यूट्यूब एक वीडियो है, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, आप देख भी सकते हैं, और लास्ट के 1 मिनट में उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने भोजन के अवयव देखे थे, ये देख चुके हैं हम लोग। सेकेंड चैप्टर निकालो, आप सेकेंड चैप्टर है वो निकाल लो, प्राणियों में पोषण, किस तरीके से प्राणियों में पोषण होता है उसको देखना है। और इसमें भी अमीबा अमीबा नहीं देखना हम लोगों को, ये गाय भैंस भी नहीं देखना, हमें देखना है सीधा उसके अंदर, मैंने टिक कराया था मानव में पाचन, यानी ह्यूमन डाइजेशन की बात हो रही है। इसे ध्यान से समझना है आपको, इतना मुश्किल नहीं है, और ये आप क्लास कर लेंगे तो उसके बाद में आपको 10 मिनट लगेगा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में। हाँ, वैसे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही होगी। तो मानव पाचन डाइजेशन, देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा हमारा पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र का काम है भोजन को पचाना। ये क्या बात हुई सर, यही बात है, यानी पाचन तंत्र का काम है भोजन को पचाना। तो भोजन को पचाएगा नहीं पाचन तंत्र तो क्या करेगा, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, बड़े जो कण होते हैं, बड़े भाग होते हैं खाने के, उसे छोटे भागों में तोड़ना। हम कह सकते हैं कि बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, ये किसका काम है? ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, पाचन तंत्र का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। इसके अंदर यदि आप देखोगे तो
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे, इसके दो भाग है पाचन तंत्र के, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके दो भाग है। कौन कौन से सर? इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग में एक हो जाएगा हमारे पास में एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी, और एक एक्सेसरी ऑर्गन्स हो जाएंगे। आहार नाल के बारे में जानते होंगे, एक तो इसका भाग आहार नाल है। सर ये क्या होते हैं अभी समझाता आपको। एक तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल हो जाएगी, दूसरे जो आपके इसका भाग है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स यानी अतिरिक्त अंग हो जाएंगे, ऑर्गन्स हो जाएंगे यानी अतिरिक्त जो अंग है वो हो जाएंगे। जैसे जैसे लीवर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है लेकिन नेसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही भाग है। पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, वो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आता लेकिन वो पाचन में सहायक है। तो इस तरीके से तो सर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन आते हैं, आहार नाल में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है। तो दो भाग हैं इसके, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक अन्य अंग हो जाएंगे, अतिरिक्त अंग हो जाएंगे। तो सर कौन कौन से इसके एलिमेंट्री कैनाल होती है? तो देखो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत यहां से होती है। जैसे आपने हाथ में खाना लिया और मुंह के अंदर डाला, एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत हो गई, और डाइजेस्ट होने के बाद में अगले दिन आपने वेस्ट के रूप में बाहर निकाला। ये जिस मार्ग से खाना ट्रेवल करता है, यानी खाना मुंह में लेने से लेकर के बाहर निकालने तक के जिस मार्ग से या जिस रास्ते से ट्रेवल करता है वो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहलाती है। यहाँ इससे आसान भाषा कुछ नहीं हो सकती है। मतलब जिस रास्ते से खाना गुजरेगा, मैं आबार से रस आ रहे हैं मिल रहे हैं इंच की बात नहीं कर रहा हूं, जिस रास्ते से खाना गुजरेगा वो एलिमेंट्री कैनाल के भाग होंगे, जहां से वो ट्रेवल करेगा खाना ये एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई आपको कि एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग सभी का, गुड मॉर्निंग। जैसे अपन बकल के बेटी बोलते हैं इसको, बाद में क्या बोलते हैं ये बाद में देख लेंगे अपन लोग, लेकिन यहाँ तो समझ आ गया ना। बकल के बेटी मतलब मुख्य गुहा, जैसे मुंह बोल लो आप, मुंह के अंदर रख लो, और इससे लेके फिर आपके पास में ये नली है, यहां से जा रही है, फिर देखो ये ऑर्गन से नीचे हो रहे हैं, यहां से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे आ रहा है ये। मतलब जिस रास्ते से भोजन गुजर रहा है वो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल है। आहार नाल जिस नाली से आहार जा रहा हो, जिस नाल से या जिस नाली से आहार जा रहा हो उसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सर इसके कौन कौन भाग है? तो एक तो मुख गुहा या बकल कैविटी हो जाएगी, मुंह वाला जो भाग है जहां से खाना अपने अंदर लिया। फिर देखो यहां पर एक पाइप है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, यहां पर गर्शिका लिखा है लेकिन उसे ओइसोफेगस बोलते हैं, बाद में देख लेंगे नाम इसका। पहले देखो ये अपने पास गर्शिका, ये नल है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, भोजन वाली पाइप है। इसके बाद देखो खाना स्टोमक में चला गया, अमाशय है उसके अंदर खाना जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा चिंता मत करो। तो ये भी उसी एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। उसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, आंत में आ जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, बड़ी आंत में आ जाएगा, और फिर एनस के द्वारा बाहर निकल आएगा ये इस अंग तक। ये पूरा भाग हो गया आपके पास में। क्या मतलब हुआ सर? अभी बताते हैं मतलब। आप देखो आहार नाल को निम्न भागों में बांट सकते हैं, मुख गुहिका यानी बकल कैविटी, बकल कैविटी हो जाएगा, मुख गुहा ये वाला हिस्सा जो अपने खाना अंदर लिया वो वाला भाग, ग्राश नली या ग्रशिका ओइसोफेगस, स्पेलिंग देख लेना है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। तो एसोफेगस जो है या ग्राश नलिका या ग्रशिका ये इसका भाग हो गया। उसके बाद खाना कहां चला गया सर? स्टोमक में चला गया, ये अंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद सर उसके बाद छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद सर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद एनस या गुद्दा द्वारा बाहर निकल आया, ये बाहर आ गया। तो ये इतने भाग होते हैं आहार नाल के। खाना कहां गया?
याद कर लेना इसे, याद नहीं करा तो बाकी चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। बकल कैविटी मुख में खाना, इतना ध्यान रख लो। फिर ये पाइप हो गई, फूड पाइप हो गई, फिर अमाशय केंद्र या स्टोमक में चला गया खाना, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, फिर खाना बाहर आ गया। तो ये अपने आहार नाल के भाग है, याद रखना है, याद रह जाएगा ना। बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इस तरीके से ये पूरा भागो, बाहर आ जाएगा खाना। पूरी नली जहां से खाना ट्रेवल कर रहा है, जिस रास्ते से खाना गुजर रहा है उसको बोलते हैं। इस रास्ते से कोई और जुड़ा हुआ है तो वो एलिमेंट्री केनाल का भाग नहीं है, फिर वो सहायक अंगों का भाग है। आहार नाल मतलब जहां से खाना जिस रास्ते से गुजरेगा, जिस रास्ते से गुजरेगा, मुख्य सड़क है ये, मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ी ट्रेवल कर रही है, ये समझ लो गाड़ी की यात्रा हो रही है। ये बात आपको समझनी आनी चाहिए। उसके बाद जैसे आपके पास में ये यकृत हो गया, ये अतिरिक्त अंगों के अंदर है, जैसे आपके पास से पेनक्रिया, ये आपके पास में पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर हो गया, ये भी इसी का भाग हो जाएगा, समझ गया ना। इसी तरीके से अग्नाशय हो जाएगा आपके पास में, पेनक्रियाज हो जाएगा, वो भी इसी के अतिरिक्त अंगों के भाग हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर खाना नहीं जा रहा है, उनके अंदर खाना नहीं जा रहा है। ऐसे अपेंडिक्स भी हो जाएगा, इसके अंदर भी खाना नहीं जा रहा है। तो जिसके अंदर से खाना गुजरेगा ना, वही एलिमेंट्री कैनाल है। यकृत में नहीं जाता खाना, गोल ब्लैडर में नहीं जाता खाना, पेनक्रियाज में नहीं जाता खाना, स्टोमक में जाता है खाना, ओइसोफेगस में जाता है खाना, मुख में जाता है खाना, छोटी आंत में जाता है खाना, बड़ी आंत में जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा, पहले तो ये समझ लो, जहां से खाना गुजरेगा, समझ गए क्या। तो ये आपके पास में बकल कैविटी हो गई या मुख गुहा हो गई है, सबसे पहले ये, इसमें हमने खाना लिया, यहां पर बहुत सारी क्रियाएं होगी उसको देखेंगे। उसके बाद देखो यहां पर दो पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है और एक विंड पाइप होती है। एक फूड पाइप होती है, फेरिक्स भी होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करें इतनी। तो यहां पर देखो फूड पाइप होती है, जो ये जो अपने दिख रहा है ना, इसमें आगे होती है विंड पाइप और उसके पीछे वाली साइड में फूड पाइप होती है। ये सब भी एपिग्लोटिस वगैरह वगैरह इसमें दिए हुए नहीं है आपके सेवंथ क्लास में, तो इसकी बात नहीं कर। वैसे विंड पाइप और फूड पाइप के ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है जो कि खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है, उसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो नहीं है आपके सिलेबस, इसमें सेवंथ क्लास सिलेबस में है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं बात कर रहे उतनी। लेकिन ये कहना चाह रहा कि मैं ओइसोफेगस यानी गर्शिका हो गई और इससे फिर खाना स्टोमक में चला गया, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, कौन सी चीज का पाचन होगा देखेंगे। ये देखो यहां पर ये से जे आकार का दिखेगा आपको या यू आकार का दिखेगा, ये आपके पास स्टोमक है, ये जुड़ा हुआ रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहेगा, और छोटी आंत ही छोटी नहीं, छोटी आंत बड़ी है, ये देखो अंदर इस तरीके से घूमी हुई है ना, ये छोटी आंत है, इसकी रेडियस के आधार पर इसे छोटा और बड़ा माना गया, लंबाई के आधार पर नहीं, विड्थ के आधार पर माना गया है, समझ गए क्या। तो ये आपके पास में मुख गुहा, बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद में आपके पास याद कर लो ओइसोफेगस या गर्शिका, उसके बाद खाना आ गया स्टोमक में, स्टोमक से खाना जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से खाना जाएगा बड़ी आंत में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बकल कैविटी, यानी हम कह सकते हैं कि मुख गुहा, जिसके अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है, यहीं पे दांत और जीभ तो यही होती है ना, अरे वे पैरों में थोड़ी होती है दांत और जीभ, यहीं पे होते हैं। ये देखो बकल कैविटी, इसमें दांत होते हैं, तो सबसे पहले हम दांतों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दांतों की। मनुष्य डाइफोडेंट है, डाइफोडेंट का मतलब होता है कि जीवन में दो बार दांत आते हैं आपके, एक आते हैं आपके पास से टेम्परेरी या मिल्क टीथ, और एक आते हैं आपके पास से परमानेंट टीथ, तो आप डाइफोडेंट हो गया, दो बार दांत आते हैं परमानेंट, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, जीवन में दो बार दांत आएंगे आपके, आते कि नहीं आते, आते हैं ना। और बच्चों में, छोटे बच्चों में ये 20 होते हैं, मिल्क टीथों की या दूधे वाले दांतों की संख्या 20 होती है, और जो परमानेंट टीथ या
स्थायी दांत होते हैं, इनकी संख्या 32 होती है, ये तो आप जानते हैं, इनकी संख्या 32 होती है, और दूध वाले दांत होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है, याद रह जाएगा ना। अब इनका फॉर्मूला याद कर लेना, देखो ये पूरा तुम्हारा ये एक जबड़ा है, ये निचले वाला जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये दिखाया हुआ है, देखो ये निचला जबड़ा और ये ऊपर वाला जबड़ा, जो बच्चे हैं उनके अंदर, जिनके अंदर 20 दांत है, मिल्क टीथ है, तो इस जबड़े में भी 10 होंगे, इस जबड़े में भी 10 होंगे, हो गए 20, और जो परमानेंट टीथ है वो 32 होते हैं, तो इस जबड़े में भी देखो ऊपर देखो 1 से लेके 16 तक, और निचले वाले में भी 16, तो टोटल हो जाएंगे 32। अब इनका अलग अलग नाम रखा गया है, जैसे देखो कृतंक लिखा है, ये इंसेसर है, ये कृतंक यानी इंसेसर है, ये आपके पास में कैनाइन, ये रदनक हो जाएंगे, ये आपके पास प्री मोलर होते हैं, और ये मोलर होता है, हिंदी में मेरे को तो कभी याद नहीं रहे, इंग्लिश में ही रहते, तुम भी इसे याद कर लो, आईसीपीएम से याद कर लो, आईसीपीएम से, बच्चे के 6 महीने पे पहला दांत आता है, मिल्क टीथ की बात करें तो 6 महीने पे, और पहला दांत ये कृतंक या इंसेसर ही आता है, जो सबसे सामने, जैसे आपके एकदम सामने वाले जो दो दांत है ना, वो इंसेसर की श्रेणी में, इधर और इधर, ये दो क्या अपन 4 दांत बात कर सकते हैं, कैसे सर, जैसे ये आपका जबड़ा है ना, ये यहां से कर लो, तो ये आगे के जो देखो इधर भी 2 दांत, ये देखो ये इधर के भी 2 दांत इसी श्रेणी में, और इधर के भी 2, ये हो गए 4, एक जबड़े में होते 4, ऊपर वाले में होते 8 होते हैं। सर कैसे याद रहेंगे, देखो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, आई सी पी एम, हाँ याद कर लेना है, एक ही याद कर लेना, 2 1 2 3 याद कर लेना, बस इतना याद कर लो, याद हो जाएगा, आई सी पी एम, ये हो गए परमानेंट टीथ के अंदर, ये स्थायी दांतों के अंदर हो जाएगा, ये परमानेंट टीथ है आपके पास, ये स्थायी दांत हो गए। सर बच्चों में क्या होता है, बच्चों में भी आईसीपीएम होता है, लेकिन फॉर्मूला बदल जाता है, आईसीपीएम में हो जाएगा 2102, ये फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं पी नहीं होता बच्चों में, कौन सा नहीं होता, पी नहीं होता मतलब बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता, बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो देखो पी की जगह मैंने वैल्यू 0 रखी है, इसका मतलब बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, बड़ों में सब होते हैं, इंसेंसर है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सब होते हैं, समझ गए क्या। देखो 3 और 2 5, 1 6 और 1 8, इनकी संख्या 8 है, 2 और 1 3 और 2 5, इनकी संख्या 5 है, तो देखो ये 2 जबड़े हैं, इन एक जबड़े को भी 2 भागों में बांट लो, देखो 4 भाग किए गए हैं इसको, इसको 4 भागों में बांटा गया है, कि ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला, फिर इसको ऊपर वाले को भी 2 भागों में बांट दो, इस साइड का और इस साइड का, तो ये हो जाएगा, तो एक साइड में 8 दांत होते हैं, उनका फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे देखो ये एक जबड़े का आधा भाग है, 8 दांत इसमें, ये नीचे वाले जबड़े का दूसरा आधा भाग है, इसमें भी 8 दांत है, ये ऊपर वाले जबड़े का आधा भाग है, इसमें भी 8 दांत है, और ये ऊपर वाले जबड़े का आधा भाग है, इसमें भी 8 दांत है, और इसी 8 दांतों का ये फॉर्मूला है, इन्हीं 8 दांतों का ये फॉर्मूला है, ये समझ लो, 2 1 2 3, आईसीपीएम 2 1 2 3, ये आधे जबड़े का, 2 जबड़े, एक जबड़े का भी आधा भाग है, ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा, ऊपर वाले को देख लो, ऊपर वाले में भी 16, नीचे वाले में भी 16, उसको 2 भागों में बांट लो, तो यहां से बीच में से यदि शुरू करोगे तो इधर वाले आधे पार्ट को ले लो आप, तो इधर जो सामने से आप बीच में से इधर शुरू करोगे तो 2 दांत आपके इंसेसर है शुरू के, जिनको कृतंक बोलते हैं, बच्चों में सबसे पहले यही दांत आता है, उसके आगे एक काटने वाला, देखो ये क्या होता है कि चीरने वाला होता है, किसी चीज को काटने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए होता है, कुछ भी काटना है ना, जैसे मान लो कि आपको डेरी मिल्क दिया गया, तो डेरी मिल्क को आप कैसे काटते हो,
इनसे सर उसमें आपकी मदद करेगा। डेयरी मिल्क को कैसे काटोगे, काटोगे ना ऐसे, तो ये दो आगे के, तो देखो आपके सामने टोटल कितने दांत हो जाएंगे। देखो एक जबड़े के आधे भाग में दो है, तो ऊपर वाली साइड में भी चार दांत है इंसेसर के, और नीचे वाले में भी चार है। टोटल इन आई की संख्या, इन टोटल आई की संख्या आठ हो जाएगी, क्योंकि आधे जबड़े में दो, तो आधे आधे करके चार हो जाएंगे, तो आठ हो जाएगा, आठ हो जाएंगे इनकी संख्या। आधे जबड़े में दो है, क्योंकि ये कैलकुलेशन 2 1 2 3 का जो फॉर्मूला है आधे जबड़े का है। ऊपर वाला एक जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा दो, ऊपर वाले का आधा भाग कर लो, उसका फॉर्मूला 2 1 2 3 है। तो जो भी आ रहा है उसको चार गुणा कर लो, क्योंकि आधा आधा चार बार करना पड़ेगा आपको, तब आपका पूरा मुंह के दांत गिने जाएंगे। तो इंसेसर जो है ये काटने का काम करेगा, तो टोटल काटने के लिए कितने दांत होते हैं, तो एक डेयरी मिल्क के ऊपर कितने दांतों ने अटैक करा है, एक डेयरी मिल्क के ऊपर कितने दांतों ने अटैक करा है, आठ में, समझ गए। जरूरी नहीं कि आठ तो करें, लेकिन एक बात समझाने के लिए बोला मैंने बस। उसके बाद देखो केनाइन या रदनक है, ये कुंटे जिनको बोलते हैं बंदेशी भाषा मारवाड़ी में, ये एकदम तीखा होता है। यहाँ पे इस कुंटे को जो मारवाड़ी बोलते हैं उसे रदनक बोलते हैं हिंदी में, और केनाइन बोलते हैं इंग्लिश में। ये वाला दांत होता है, तो ये जो एकदम तीखा निकला हुआ सबके, वो चीरने के काम आता है। यानी तुम लोग नॉन वेजिटेरियन और हड्डी को, जब हड्डी को चूसते हो ना, और यदि चीरने फाड़ने का काम पड़े आपको, तो ये केनाइन वाला है। यदि चीरना पड़े, समझ गए ना किसी चीज को, तो तीखा चीज, तीखा है, चीरने फाड़ने के लिए। अब हमारे अंदर ये ज्यादा विकसित नहीं रहा, जो जानवर मांसाहारी होते हैं ना उनके अंदर ये दांत बहुत तीखा और बहुत ज्यादा मजबूत होता है, चीरने के काम आता है। क्योंकि भाई बकरी फाड़ने के लिए शेर के पास में चाकू तो है नहीं, उसे तो दांतों से ही फाड़ना है, तो फिर ये दांत बहुत स्ट्रोंग होता है उसके अंदर, ये दांत बहुत मजबूत होता है। हमारे उतना डेवलप इसलिए नहीं है, हमारे फिर भी ठीक ठाक है, इसलिए नहीं कि हम लोगों के पास चाकू है, हम काट लेंगे आराम से। तो ये रदनक जो है ये चार होते हैं, एक जबड़े में एक होता, एक जबड़े में दो होते हैं, लेकिन आधे जबड़े में एक ही होता है। ये आठ वाला जो फॉर्मूला याद रखिएगा, आधे जबड़े का है, चार से मल्टीपल करते जाइएगा, टोटल नंबर आते जाएंगे, टोटल नंबर आते जाएंगे, तो इनकी भी टोटल संख्या चार हो जाती है। आई की संख्या आपके पास में आठ होगी, क्योंकि आधे जबड़े में दो है। इस फॉर्मूले में देखो आई का मतलब दो, ये इसकी एक ही वैल्यू थी और ये आधे जबड़े की थी, तो आधे आधे चार, मतलब दो जबड़े होंगे तो आठ, चार हो जाएगी इनकी संख्या। उसके बाद आपके पास हो जाएंगे प्री मोलर। सर ये प्री मोलर में भी, ये प्री मोलर और मोलर दोनों ही चबाने के लिए, पीसने के लिए, चबाने के लिए काम आते हैं, चबाने के लिए, पीसने के लिए काम आते हैं, तो दोनों ही। तो ये जो प्री मोलर होते हैं इनकी संख्या बड़ों में दो होती है, आधे जबड़े में, तो मल्टीप्लाई कर लो चार से, तो टोटल संख्या आठ हो जाएगी। और सबसे पीछे जो दांत होते हैं उनको मोलर बोला जाता है, एक आधे जबड़े में संख्या तीन है, तो टोटल संख्या बारह हो जाएगी। तो बारह और आठ है बीस, और चार चौबीस, और आठ बत्तीस, ये तुम्हारे टोटल दांत हो गए, ये संख्या टोटल दांतों की है। क्लियर ना? समझ गए बात को, आती अपने सिलेबस में नहीं है मधु जी, हाथी गाय कुत्ता भेड़ बकरी भैंस ये सब अपने सिलेबस के हिस्से नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टेबल वाली एग्जाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी भी जानवर का कोई भाग अपने सिलेबस में नहीं है इंसान को छोड़ करके, तो पहले तो ये ध्यान दे लेना इस बात को, हाथी के कौन से हैं, शेर के कौन से हैं, भैंस के कौन से हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है अपने को, एक तो ये दिमाग में बिठा लेना बात, समझ गए। तो इंसेसर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और आपको पता है कि मैं सिलेबस के बाहर एक लाइन की बात करता नहीं, समझ गए। इंसेसर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये ध्यान रखना है, आठ चार आठ और बारह, क्लियर है। अब देखो ये जो दांत है ना, ये बच्चों में नहीं है प्रीमोलर, ये बच्चों के अंदर नहीं है,
आई है ये टू हो गया, सी वन हो गया, पी जीरो हो गया और एम टू हो गया। देखो ये आगे वाले जो है आई और सी दोनों में इक्वल है ना, इक्वल है ना, लेकिन देखो पी नहीं है उसमें, एम दो है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो चार से, तो ये तो बराबर ही रहते हैं, आठ और चार बारह हो गया। और ये जो हमारे मोलर होते हैं ना, ये बच्चों में आठ होते हैं, हमारे बारह होते हैं, प्री मोलर उनमें होते नहीं है, ये ध्यान रखना है। याद रखना आपको। और जो एकदम लास्ट वाला दांत होता है ना हमारे, उसे अकल दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो दांत आएगा, कुछ लोगों में नहीं आता है, एकदम मोलर का लास्ट वाला जो दांत होता है हमारा, वो जरूरी नहीं कि आएगा तभी आपके पास अकल दांत आएगी, वैसा कुछ लॉजिक है नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है दांत इतने दिए हुए हैं। ये बच्चों वाला साइज सेट किसी टेबल में नहीं दिया हुआ, आपके सेवंथ क्लास में नहीं दिया। देखो ये दिया हुआ, दांतों के प्रकार, कृतंक आई हो गया, फोर चार ऊपर वाले जबड़े में, चार नीचे वाले में, आठ हो गए भोजन को काटना, इसका काम हो गया। रेट का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है अंजलि जी, रेट में क्या पूछते हैं ध्यान ही नहीं है मेरे को, तो देखिएगा सिलेबस होगा तो कवर हो जाएगा। रदनक हो गया, ऊपरी जबड़ा दो, निचला जबड़ा दो, टोटल चार हो गए, नुकीले हो गए, भोजन को चीरना फाड़ना एक काम है। उसके बाद अगर चवर्णक हो जाएंगे आपके पास में, ये प्री मोलर हो जाएंगे, चार ऊपर वाले में, चार नीचे वाले में, टोटल आठ हो गए खुरदरे, भोजन को चबाना इनका काम है। ठीक है, ये मोलर हो गए, छह नीचे वाले में, छह ऊपर वाले में, बारह हो गए भोजन को चबाना इनका काम हो गया, सोलह ऊपर वाले जबड़े में, सोलह नीचे वाले जबड़े में, ये बत्तीस हो गया। बच्चों वाले इसमें सेवंथ क्लास वाली बुक में नहीं दिए हैं, ठीक है, इतने दिए मैं बच्चों वाले, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आगे मेरे को आसानी हो चीजें समझाने में, क्लियर ना। ये मैंने आपको बकल कैविटी के अंदर ये बताया। अब देखो यहां पर मिठाइयों के बारे में भी कुछ दिया हुआ है कि मिठाइयां और दंत छे, तो इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार 2018 में रहे, तो उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन रहे, जैसे मान लो दूध के ऊपर जमने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो कोलगेट होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें। हाँ, इसी तरह का दंत छे कोलगेट है उसमें क्या पदार्थ होता है दंत छे रोकने के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो यदि आपको ये दंत छे वाली या मिठाइयों वाली बात पता है ना, तो उस क्वेश्चन का लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे सर? देखो जैसे ये हमारे दांत है ना, इनके ऊपर एक परत होती है कैल्शियम की, जिसे इनेमल बोलते हैं। ये जो इसके ऊपर एक बहुत ही गाढ़ी परत होती है जिसका नाम होता है इनेमल, नाम सुना होगा। और ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल। समझ गए? तो ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इससे कठोर हमारे शरीर में कुछ भी नहीं होता। लेकिन यदि एक बार ये चला जाए ना, तो वापस नहीं आता। एक बार यदि चला जाए तो ये वापस नहीं आता। और इसका एकमात्र दुश्मन है, वो है अम्ल यानी एसिड। एसिड या अम्ल से इसको क्षति होती है। और जैसे बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिक के शहीद होने से देश को जो क्षति होती है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, या अहमद पटेल के खत्म होने से कांग्रेस की क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं हो सकती है, या परिवार में एक जवान बेटे के जाने से भरपाई नहीं हो सकती है, वैसे ही इस दांत के, इस इनेमल के चले जाने से इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। ये समझना, सबसे ऊपरी पदार्थ होता है इनेमल, जिसकी भरपाई या जिसकी पूर्ति किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकती है। बहुत कठोर है लेकिन पूर्ति नहीं होगी। सर ये इसको नुकसान कौन करेगा? एक ही चीज है इसको जो नुकसान कर सकती है, वो है एसिड यानी अम्ल। सर ये कैसे बनता है? दो तरीके से। एक तो आप सूगले हो, खुद सूगले का मतलब क्या है कि ब्रश वर्श करते नहीं हो, तो उसके कारण से हो सकता है।
हाँ अम्ल इसका यानी एसिड इसका नुकसान। तो लॉजिक समझते रहिएगा आप चीजों के, एग्जाम में क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। इसका एक ही नुकसान करने वाला है अम्ल यानी एसिड, और ये एसिड जो है यदि आपने मिठाई खाई है या आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद यदि आपने ब्रश नहीं करी है, ब्रश नहीं करने के कारण से यदि आपका मुंह बंद रहता है, मुंह बंद रहता है तो आपके मुंह में एसिड या अम्ल का निर्माण होता है। यदि खाना दांतों में फंसा हुआ रह जाए या आपने ठीक से खुला नहीं करा है और यदि खाना मुंह में रह गया है तो धीरे धीरे यह एसिड यानी अम्ल बनाएगा, एसिड बन जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो। या एक चीज हो सकती है कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी हो आपको, यह सबसे खतरनाक होता है उल्टी वाला। तो सर यह कैसे होता है? क्योंकि उल्टी होती है आपको स्टोमक से। यह किससे होती है सर? स्टोमक से, मतलब सर अमाशय से। अमाशय कहां पर होता है? जैसे ही खाना इस नली से नीचे उतरता है, खट करता है, स्टोमक में जाता है, समझ गए ना? मुंह में है खाना, मुंह से ये फूड पाइप है, फूड पाइप से जहां खाना जाता है वो पहला ही स्थान स्टोमक या अमाशय होता है, और स्टोमक के अंदर HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, HCl बनता है, और स्ट्रोंगेस्ट एसिड है ये, बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि मजबूत या स्ट्रोंग एसिड है ये, स्ट्रोंग एसिड है बहुत ही ज्यादा। इसकी पीएच वैल्यू लगभग 1.3 होती है। ये सब पीएच वगैरह अपने सिलेबस में देखेंगे आगे। 1.3 स्ट्रोंग एसिड होता है, स्ट्रोंग एसिड होता है, तेजाब है, तेजाब ये समझ लो तुम लोग, इतना तगड़ा एसिड है ये, स्टोमक में बनता है, इसलिए कि प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। अभी बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें, इस HCl वगैरह की डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन में काफी भूमिका होती है, और स्टोमक में सबसे ज्यादा प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोटीन वगैरह तो आपको पता होगा। तो जब ये स्टोमक में गैस बन जाती है ना, तो जो हमारी ये ओइसोफेगस होती है, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ये ओइसोफेगस होती है, इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन की जो गतिक्रिया होती है जिसके कारण से खाना नीचे जाता है, ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे ऊपर कॉन्ट्रेक्शन होता है, नीचे एक्सपेंशन होता है, ये उल्टा हो जाएगा। अभी समझाऊ थोड़ी देर में कैसे। जब ये प्रोसेस उल्टी होती है, गैस बनने के कारण से दबाव पड़ता है तो उल्टी होती है। जब ये वॉमिट होता है या उल्टी होती है तो एसिड बाहर आता है, मतलब कि एक तरीके से आप समझो कि स्टोमक से खाना बाहर आया वापस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दांतों के चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा ना, यदि आपने उल्टी होने के बाद ब्रश नहीं कराया तो। उल्टी करने के बाद यदि आप ब्रश नहीं कर रहे हैं और सो गए हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एनेमल को खा जाएगा और ये जो इनेमल की जो क्षति है इसकी पूर्ति होती नहीं है। तो या तो मिठाइयां खा रहे हैं, खाना खाया है आपने, खुला नहीं कराया, मिठाई खाई है, मिठाई फंस के रह गई है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एसिड बनता है मुंह में और वो इनेमल को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। ये आपको वॉमिट हो गया उसके कारण से इसे क्षति पहुंच सकती है। तो ये बात शायद यहां पर लिखी हुई है, मैं समझाता आपको, बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज के बारे में जब पढ़ाया था मैंने कहा हर जगह होते हैं, ये हमारी आंतों में भी होते हैं, मुंह में भी होते हैं, कहाँ नहीं होते ये पूछो तो मैं कहूँ सब जगह होते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत में मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते, बढ़ने लग जाएंगे। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माण करेंगे, एसिड बनाएंगे, समझ लो। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं, ठीक है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में ऐसा ही पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं, समझ गए? एसडीएम साहब कह रहे हैं
ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ भगवान आपको इस एनिमल का ट्रीटमेंट नहीं कराया, दादाजी ने कराया तो बहुत दिक्कत होती थी। चॉकलेट, ठंडे पे तथा चीनी युक्त मिठाइयां, ये जाने के बाद आएगा नहीं, फिर दूसरे दांत लगाओ आप, ये जाने के बाद आता नहीं है इतना पता है मेरे को। तो इसका ट्रीटमेंट चाहे जितना कर लो, चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयां, ध्यान रखिएगा, वे अन्य पदार्थ दंत छय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है साहब, ठीक है आप, तो मतलब एनेमल वापस आ जाता है दांत के ऊपर ट्रीटमेंट से, आप ये कह रहे हैं क्या एसडीएम साहब? यदि आप कह रहे हैं कि किसी का एनेमल चला गया है तो एनेमल आ जाता है उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट से, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दांतुन करना चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यही तो कह रहा है एसडीएम साहब, मैं यही तो कह रहा, मैं जो आप कह रहे हो वही मैं कह रहा, ये नेमल नहीं आएगा, अपूर्णीय क्षति है, समझ गए? चल, तो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है। अब देखो इसके बारे में देखते हैं, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां तक ठीक है सब कुछ, यहां तक ठीक है? ये चॉकलेट वगैरह क्या करेगी, क्या इश्यू करेगा पता चल गया? तो ये सब करने के बाद ब्रश करना है। और अब देखो, अब हमारे मुख में कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती है ना, तो जो कुछ लार या सेलुआ जो है उसको स्रावित करती है मुख के अंदर। लार ग्रंथियां नाम सुना है तुम लोगों ने, सेलिवरी ग्लैंड्स होती है। अब देखो होता क्या है, एक तो भोजन जो होता है उसे लश लशा बनाने में काम आता है, इसके अलावा देखो मुख में 2 प्रकार के एंजाइम जो है उनका भी स्रावित होते हैं। सर कौन से 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, ये शायद इसमें नहीं दिया है लेकिन देख लेना आप, थोड़ा सा एक बार देख लो ताकि आगे क्लासेस में मेरे को दोबारा रिपीट नहीं करना पड़े ये चीजें। 7th क्लास की थोड़ा परेशान करेगी लेकिन आगे की क्लासेस में दिया होगा तो मैं सिर्फ बता के निकल जाऊंगा फिर आपको। एंजाइम जो है 2 तरह का, एक टाइलिन है, एक लाइसोजाइम है। क्या हो गया, क्लास क्यों नहीं ले पाए? ये जो 2 आपके पास में एंजाइम है, ये 2 जो एंजाइम है टाइलिन और लाइसोजाइम, इनका ये मुख में ही बकल कैविटी के ही भाग है, मुख गुहा में ही स्रावित होते हैं। इनका काम क्या है, जैसे टाइलिन होता है ना, जैसे हमारा भोजन का जो डाइजेशन या जो पाचन है ना वो यहां से मुख से ही शुरू हो जाता है, दांतों से ही शुरू मान लो आप भोजन का डाइजेशन, और लस तक डाइजेशन छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में डाइजेशन नहीं होता, लेकिन मुख में डाइजेशन होता है, मुंह के अंदर डाइजेशन होता है, और मुख में सबसे ज्यादा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है। यानी डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, स्टोमक से मत कहिएगा, मुख से शुरुआत होती है, जो मुख में एंजाइम है। और ये जो टाइलिन एंजाइम है, ये एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम में जो आपके पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसके 3 प्रकार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। यदि आपको थोड़ा सा मैंने पहले बताया हो तो, नहीं बताया तो बताता हूं, देखो ये दिक्कत है ना, सिलेबस में ये सब चीजें सब है और 7th क्लास में दी नहीं है और ऐसे मजा आएगा नहीं आपको। जो कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है और डाइसेक्राइड भी होता है। तो एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेकेराइड, क्या
एक होता है आपके पास में पॉलीसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड, एक होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब एक, जैसे C6H12O6 एक हो जाए। डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे, मोनो प्लस मोनो डाई, और जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड बना लेते हैं, ऐसे समझो, समझ गए? अच्छा, खेत में तारबंदी करने लगे। मोनोसेकेराइड C6H12O6, इसी तरीके से डाइसेकेराइड होता है जिसके अंदर दो मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं, इनके भी फॉर्मूला आगे बताऊंगा, अभी रहने दो यहीं पे। और वैसे C12H22O11 होता है, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर। देखो ये आपके पास में हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। तो मोनोसेकेराइड मतलब एक, डाइसेकेराइड मतलब, और जब हम कुछ भी खाते हैं जैसे रोटी वगैरह खाते हैं तो पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च के रूप में रोटी खा रहे हो आप, अरे हमारे जो डाइजेशन का मतलब ही हो गया कि पॉलीसेकेराइड है डाइसेकेराइड में टूटेगा, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में टूटेगा, और फिर मोनोसेकेराइड है उससे फिर हमें एनर्जी मिलना शुरू होती है। तो ये डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड जो है, जब हमने खाने को लिया मुंह में, तो ये स्टार्च जो है या पॉलीसेकेराइड है ये डाइसेकेराइड में टूटना शुरू करता है, और इसमें टाइलिन की भूमिका होती है, इसमें टाइलिन की भूमिका होती है, इसमें टाइलिन की भूमिका होती है। और लगभग जो कार्बोहाइड्रेट है इसका लगभग 30% डाइजेशन मुख में हो जाता है, 30% मुंह में ही हो जाता है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, समझ गए बात को यानी। और यही मतलब हुआ इसका कि पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, किसकी मदद से, टाइलिन की, टाइलिन एंजाइम इसमें रोल प्ले करता है। तो ये हो गया अपने पास में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, अभी इतना समझ लो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए है, क्लियर है ना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। सर लाइसोजाइम ये जो होता है ना, ये होता है जो खाने के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो उनको जो है उनको नष्ट करने के लिए, जो भी खाने का विषैलापन है उसे समाप्त करने के लिए लाइसोजाइम होते हैं। तो एक तरीके से खाने में जो भी विषैला पदार्थ होगा, जो भी नुकसानदायी चीजें होंगी, उन्हें खत्म करने के लिए, रोगाणुओं को खत्म करने के लिए लाइसोजाइम होता है। और टाइलिन होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है, ये एंजाइम होते हैं जिनका श्रमण मुख से है, जिनका श्रमण मुख से है, हाँ, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, समझ गए बात, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम होता है। और टाइलिन होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, लगभग 30% भोजन का पाचन मुख में होता है, इसलिए कभी भी आपसे पूछ ले कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो मुख से होती है, मुंह से पाचन की डाइजेशन स्टार्ट होता है, मुख से, यहां से शुरू हो जाता है, समझ गए ना, क्लियर रहेगा। तो हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती है जो लार रस स्रावित करती है, जब हम भोजन चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलती है, लार मिलने से भोजन लुगदी नुमा लसलसा हो जाएगा, लसलसा हो जाएगा तो भोजन आराम से इसे ओइसोफोगस में उतर पाएगा और इसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी, उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए थोड़ा सा लसलसा बना लिया करो, रोटी देते ही मुंह में सीधी नीचे मत उतारा करो, ठीक है ना, तो आराम से उसे लसलसा बनाया करो, और खाने का कुछ हद तक डाइजेशन भी होता है, कुछ डाइजेशन होता है ना मुंह में, तो वो 30% प्रक्रिया जो कार्बोहाइड्रेट वाली है उसे होने दिया करो। तो मैं आया तू चाल वाली कंडीशन में खाना मत खाया करो, ये बात समझा, इसीलिए समझा रहा ताकि कोई रोगाणु वगैरह भी है, बैक्टीरियाज वगैरह भी हैं, वो भी यहां पर खत्म हो जाए, वो भी यहां पर खत्म हो जाए, समझ गए, और कुछ डाइजेशन भी हो जाए ताकि पेट को तकलीफ कम हो, पेट को तकलीफ कम हो, समझ गए। तो यहां भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है, लस लसे भोजन को निगलने में आसानी होती है, जीभ एक मांसल पेशी आएंगे जो पीछे की ओर जुड़ी होती, पीछे जुड़ी होती खाने को पीछे की तरफ धकेलने में सहायता करती, इस तरीके से होता है। इसका अगर भाग स्वतंत्र होता है, ठीक है, ये जीभ आगे पीछे हो जाती है, ये बताया हुआ है यहाँ पर, भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है, एकदम लसलसा बना करके इस तरीके से फिर निगलने में सहायक, जीभ नहीं होगी तो कष्ट होंगे, सब पीछे से जुड़ी होती आगे हिलती है, तो देखा ही होगा तुमने, जीभ होती है कुछ लोगों के पास,
और जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है इसके अलग अलग भागों से, कहीं से मीठा, कहीं से नमकीन, कहीं से खट्टा, सब स्वाद टेस्ट होते हैं, लेकिन वो सब आपके यहाँ दिया नहीं है, तो आगे क्लासेस में बताएंगे, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, तो अलग अलग भागों से अलग अलग टेस्ट आते हैं हम लोगों को। अब है हमारे पास में अगला पार्ट है ओइसोफेगस या ग्रशिका। ये देखो ओइसोफेगस हो गया, ये जो ओइसोफेगस है या ग्रशिका है, ये वाली फूड पाइप है, भोजन नली है, इसको समझना, ठीक है। लोग तो 32 बार क्या दो बार भी नहीं करते हैं एसडीएम साहब, सभी के होते हैं क्या। चलो फूड पाइप यानी ये वाली पाइप, ये देखो आपको आगे जो है ना, ये यहां पर आगे जो पाइप रहेगी ये विंड पाइप रहेगी, आगे क्लासेस में थोड़ा सा एडवांस आएगा तो वो डिटेल से बात करेंगे। और इसके पीछे फूड पाइप होती है, तो ये बकल कैविटी से फेरिक्स से होते हुए खाना फूड पाइप में जाता है। और ये फूड पाइप जो होती है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं चलती है, ये समझना। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल से काम नहीं करती है, बल्कि इसका अपना कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन है। नहीं आई बात समझ में? ये आपके पास में ओइसोफेगस, ये कोई सामान्य पाइप नहीं है, इस तरीके से कोई सामान्य पाइप नहीं है कि आपने ऊपर से खाना डाला कट करता चला गया और ऊपर से पानी डाला और चला गया, इंसान को उल्टा करा तो सारा सामान बाहर आ गया, फिर सीधा करा तो फिर अंदर चला गया, उस तरह की पाइप नहीं है ये, और भगवान ने उस तरह की दी भी नहीं है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से काम करती तो सोते तब खाना अंदर नहीं जाता, थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा ऊपर हो जाता तो फिर खाना यही पड़ा रहता, फिर ऊपर मुंह में ही पड़ा रहता, या यहाँ आता या ऊपर नीचे होता रहता। या मान लो कि किसी पेड़ के आप ऊपर उल्टे लटक गए, उल्टे लटक के सेव खाओगे तो भी अंदर चला ही जाता है वो। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल से काम नहीं करती, बल्कि इसका संकुचन और फैलाव होता है, संकुचन और फैलाव होता है, इससे खाना आगे बढ़ता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड करती है, संकुचन और फैलाव। जैसे खाना जैसे अंदर कैसे जाएगा, जैसे यहां से, जैसे मान लो ये खाना है, ये पाइप ऊपर दबेगी, ऊपर से दबेगी तो ऊपर से संकुचन होगा और नीचे से ये पाइप इस तरीके से फैलेगी तो खाना नीचे जाएगा, फिर ये खाना यहां पहुंच गया तो यहां से इसमें संकुचन आएगा और यहां पर इसमें फैलाव आएगा। समझ गया क्या? हाँ सही बात है, सही है विक्रम सिंह जी, आप गलत कैसे हो, ठीक है। तो देखो ये संकुचन, यहां से फैलाव, ठीक है, संकुचन, फिर ऊपर से संकुचन और फिर नीचे से फैलाव, इस तरीके से करते करते खाना ये चला जाता है स्टोमक में, जो कि यू शेप में या जे शेप के अंदर है, ये क्रिया होती है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवमेंट को, हाँ इसी को मूवमेंट को मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। संकुचन फैलाव, संकुचन और फैलाव, इस तरीके से खाना अंदर चला जाता है स्टोमक में। अभी जो मैं आपको काम समझा रहा था कि जब स्टोमक के अंदर गैस बन जाती है ना, तब ये क्रिया उल्टी हो जाती है। जब इसके अंदर गैस बन जाएगी तो अब नीचे से फैला होगा, सॉरी हाँ इधर से सिकुड़ेगा, ऊपर फैला होगा, अब ये खाना इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ऐसे करके बाहर आ जाएगा, या मुंह में उंगली डालोगे तब जबरदस्ती उल्टी करने की कोशिश करते हो तो ऐसा, तब भी ऐसा कुछ होता, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगता, तो ये पाइप का जो सिस्टम है ये उल्टा हो जाता है, उल्टी के टाइम में या वोमिटिंग के टाइम पे, नीचे से सिकुड़ना ऊपर से फैलना, जबकि नॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है आपको बताइए। क्लियर हो गई ना ये बात? तो ये आपके पास ग्रशिका है जो कि ओइसोफेगस है, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, जिससे खाना स्टोमक के अंदर जाता है।
जिसके अंदर जिसके खाना स्टोमक में जाता है। तो ये दूसरा भाग हो गया बकल कैविटी के बाद में, ये मुख गुहा के बाद में। देखो मुख गुहिका से भोजन कृषिका में जाता है, कृषिका गले वक से होती हुई जाती है, कृषिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कह रहे संपूर्ण यानी यही चीज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो खाना आगे बढ़ता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है, तो उसमें कैसे बढ़ता है, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। तो ये एक्सपेंड होने की और सिकुड़ने की प्रक्रिया पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही चलती रहती है, तभी सारी चीजें आगे बढ़ती है। ये समझाने की कोशिश की। कभी कभी हमारा आमाशय या भोजन को स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण से हमारे यहाँ जिसके कारण से हमें उल्टी आ जाती है, वमन या उल्टी होती है, ठीक है ना। अब आगे आपके पास में आमाशय, अब आपको तो आज ही पढ़ा दूं, आप कहोगे तो कल पढ़ा दूं, जैसे कहोगे तो पढ़ा कर दूंगा मैं। बोलो बताओ, स्टोमक पढ़ा दूं क्या, याद रहने दो, कल पढ़ो। मंजू जी कह रही कल, गौरव जी भी कह रहे हैं कल, चलो सभी कह रहे हैं कल, रुचिका जी को छोड़ के सब कह रहे हैं कल। तो फलो रोज ही रहेगा, फलो टूटेगा कैसे, इसमें बहुत सारी चीजें, अभी हमारे से लेगा आधा घंटा कम से कम, समझ गए, स्टोमक में टाइम लगेगा भी, कृषि का जितना छोटा नहीं था ये, दांतों के जितना टाइम लेगा। ठीक है, कल करवा देंगे, और लगभग लोग कल के सहमत हैं। तो मेरी नैतिकता का आधार उपयोगितावाद है, समझ गए। अब ये तुम बताओ कि उपयोगितावाद क्या होता है, आज सुबह की एथिक्स की क्लास में पढ़ाया मैंने, मेरे लिए वही नैतिक है जो उपयोगी है, समझ गए। अभी कल इसकी बातें करेंगे सारी, ये चैप्टर है विधि, ये सारा हम लर्न छार काफी बड़ा कवर ऑलमोस्ट इसमें सहित कर दिया है, ये सब मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, चिंतित नहीं होना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए कुछ एक काम करना है बस, आपको कुछ भी नहीं करना, एक ही काम करना है, वो ये कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में, एक दो दिन बाद में आप अकेडमी डाउनलोड भी करोगे तो भी वहां से आपको कोड पूछेगा फ्री क्लासेस के लिए भी, तो फ्री क्लासेस के लिए भी आपको ठोरिया 10 कोड यूज करना है। और यदि आप में से कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसे भी ठोरिया 10 ही कोड यूज करना है। किसी तरह का डाउट है तो आप वहां जाकर के मेरे को मैसेज कर सकते हो, यदि तुम्हें यहाँ पे अनअकैडमी पे मैसेज करने से शर्म आ रही है तो यूट्यूब पे भी कर सकते हो। YouTube से कैसे करें सर, YouTube से ऐसे कर सकते हो कि एक वीडियो देखो आप जिसके अंदर हाउ टू स्टार्ट RS प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, ऐसे डालना, वीडियो भी देख लेना, 1 लाख से ज्यादा व्यूज है उसके अंदर, और नहीं देखना चाहो तो कोई बात नहीं है, फटाफट आगे करके लास्ट के 1 मिनट में उसके अभी जैसे मैं बता रहा हूँ उसमें कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कल जो प्रीलिम्स का वीडियो बनाना था तो बना तो सकता था, वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है, पूरे दिन मैं वीडियो बना सकता हूँ, बात है कि मैं उसके अंदर कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ और तुम्हारा काम आसान करना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरे को कल रख लिया मैंने उस सेशन को, तो उससे आप बुरा नहीं मानेंगे ना, कल उस सेशन को रखेंगे, शाम को हिस्ट्री की क्लास होगी। आज 1 ईयर का जो चार्जेस है 6,300 है, और 2 ईयर का जो है वो है 7,560। इसके लिए केयरफुली यूज करना है ठोलिया 10 कोड, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत कम चार्जेस है। चलो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो धन्यवाद विष्णोई जी। हाँ कविता जी कह रही अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर 4 बजे मिलेंगे प्लस वाली क्लास में, और अभी एनरोल नहीं कराया तो 4 बजे क्लास है मेरी, कर लो उसके लिए प्लस के लिए, थैंक यू।